गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है और हर एग्जाम्स में लगभग दो या तीन क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो हम आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। सो बेसिकली नंबर सिस्टम होता क्या है? नंबर सिस्टम में हम जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली जो यूज करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम आप समझते हैं वो नंबर सिस्टम जिसमें जीरो से लेकर के डेसिमल नंबर्स, जिसमें आपको पता है कि जीरो से लेकर के नाइन तक के डिजिट्स आप इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यही अगर हम कंप्यूटर्स में बात करते हैं तो आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम जो है जिसमें आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली जीरो और वन, राइट। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नंबर सिस्टम का हम यूज करते हैं और उनको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चूंकि पढ़ रहे हैं मैथ्स, तो मैथ्स में हम जो डिस्कस करेंगे वो डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेसिकली अब हम पढ़ेंगे नंबर्स के बारे में, राइट, नंबर्स के बारे में। अब आपको मैं बता दूं कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। तो आपको पता होगा सबसे पहले जो नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन अगर हम करने के बैठे तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो आता है वो आता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होगा जो कि आपको पता होगा कि इसमें अगर आपने 11th 12th में पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, या 9th 10th में भी पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। नंबर वन, फर्स्ट पार्ट जो मैं आपको बताने वाला हूं, एक तो होता है रियल पार्ट या रियल नंबर, और दूसरा पार्ट होता है इमेजनरी पार्ट, राइट, या इमेजनरी नंबर, राइट। अब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि आपको एक और एग्जांपल बताता हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। जैसे कि मान लीजिएगा कोई नंबर c इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसमें जो x है वो है रियल पार्ट या रियल नंबर, और जो ये वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। अब इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आयोटा, एक जो नंबर आप देख रहे हैं, एक नंबर आ गया आयोटा, इस आई को पढ़ते हैं आयोटा। सो बेसिकली ये जो नंबर जिसमें आई के साथ में हम कोई भी नंबर लगा देंगे, इसका मतलब कि ये इमेजनरी नंबर है, राइट। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का ये एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजनरी पार्ट हो गया। चूंकि हम इसको इमेजनरी इसलिए बोलते हैं कि मैथ्स में इसको लिख पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि मैं बात करता हूं कि मान लीजिएगा कि कोई भी स्क्वायर रूट के अंदर -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर लिखा जाता है, ये बेसिकली आयोटा की ही वैल्यू होती है। तो इस तरह के जो नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हमारे एग्जाम में सवाल नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको इसके पार्ट्स बता रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं रियल नंबर, तो रियल नंबर में कई पार्ट होते हैं, ठीक है। रियल नंबर में कई सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूंगा इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स। तो मैं अब आपको इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, और वो क्लासिफिकेशन ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि नंबर्स आएंगे रेशनल नंबर, ठीक है, इसमें भी दो पार्ट होते हैं, आपको पता ही होगा। एक होता है इरेशनल नंबर, ठीक है,
इरेशनल नंबर, राइट। अब रेशनल नंबर के अंदर के भी पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे कि इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा होल नंबर आता है, राइट, होल नंबर आता है। और उसके अंदर मैं आपसे बात करूंगा नेचुरल नंबर आता है, क्या आता है, नेचुरल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे धीमे धीमे सारे आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि ये बेसिकली होते क्या हैं, उनको कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलिए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे नेचुरल नंबर की, ठीक है। नेचुरल नंबर को आपको पता होगा कि ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, मींस जो भी नंबर के डिजिट्स स्टार्ट कहां से होते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एन से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, 2, 3, यानी जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, राइट। होल नंबर को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और इसको हम बोल सकते हैं ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 अप टू चलता रहता है। इसके बाद करते हैं दोस्तों इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं, है ना, जो कि जैसे कि माइनस से नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, यहाँ पे दोनों की क्वालिटी है, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कि मान लीजिएगा मैं आपसे कहूँ -5, -4, -3, -2, है ना, -1, 0, 1, 2, 3, राइट। अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। तो मैं आपको अभी रेशनल नंबर में अलग से भी बताऊंगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, राइट। जैसे कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, पहली चीज, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि क्यू इज इक्वल्स टू क्यू से इसका रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे नंबर्स जिनका रिप्रेजेंटेशन आप पी वाई क्यू के फॉर्म में कर सकें और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, राइट, ऐसा आपने पढ़ा होगा, राइट। अब मैं आपको कई एग्जांपल के फॉर्म में बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिएगा आपने मान लीजिएगा ये नंबर लिखा हुआ है 3y5 1y2 4y5, है ना, 1y2 1y3, इस तरह के नंबर आपने नॉर्मली देखे होंगे जो रेशनल नंबर्स में आते हैं, राइट। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ये भी रेशनल नंबर के ही एग्जांपल है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं 1, 2, -2, राइट, -3। अब आप कहेंगे दोस्तों कि इंटीजर्स होते हैं, पर मैं आपको बताऊंगा रेशनल नंबर कैसे होंगे। अगर मैं सभी के नीचे 1, 1, 1, 1 लिख दूंगा तो ये रेशनल नंबर का एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि क्यू इज इक्वल टू पी वाई क्यू और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। सपोज दैट कि मैंने लिखा 2, 2y1 में अगर कर दूंगा तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है रेशनल नंबर दोस्तों, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है, राइट। इसके बाद में मैं आपसे रेशनल नंबर के टाइप्स भी डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों रेशनल नंबर में दो टाइप होते हैं, रेशनल नंबर के दो टाइप होते हैं। नंबर वन टर्मिनेटिंग नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है दोस्तों। अब टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स होंगे जो कि जैसे कि मान लीजिएगा मैंने लिखा, मैं यहां पे डिस्कस कर लेता हूं टर्मिनेटिंग के लिए। टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर्स हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 यानी 0.5, राइट, ये टर्मिनेट हो गया, यानी जिसका डेसिमल के
बाद जैसे कि जीरो आ जाए, वो टर्मिनेटिंग नंबर है, राइट। जैसे कि मैंने बोला 1/4, तो ये हो गया 0.25, राइट। जैसे मैंने बोला 5/4, तो ये हो गया 1.25। ऐसे नंबर टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं, राइट। नंबर दो मैं आपसे बात करूंगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर दोस्तों वो होते हैं जो कि टर्मिनेट भी ना हो, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जैसे मैंने लिखा, एक एग्जांपल लिखा, सपोज एग्जांपल है 1/3, यानी 0.3333, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स, राइट, रिपीटिंग नंबर्स भी कहला रहे हैं। देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पर मैं दो तरीके के नंबर थे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स बट रिपीटिंग, राइट। ये रेशनल नंबर के दो प्रॉपर्टी थी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें 1.1/3 यानी 0.333, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.3 बार, राइट। अब जैसे कि मान लीजिएगा मैंने लिखा 2/3, सपोज 2/3 को क्या बोला आपने, 0.6666, इसको लिख सकते हैं 0.6 पर वार लगा दिया, या है ना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से रेशनल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बट रिपीटिंग नंबर्स, राइट, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मैं आपसे इरेशनल नंबर्स डिस्कस करूंगा, और ठीक है, थैंक यू।